आज इस वीडियो में हम बात करेंगे फेडरल बैंक के Q4 के रिजल्ट के बारे में। फेडरल बैंक के Q4 के रिजल्ट आ गए हैं, चेक कर लेते हैं कैसे रिजल्ट आपको आते हुए देखने को मिल रहे हैं। तो फेडरल बैंक ने Q4 के रिजल्ट ला दिए हैं और थोड़ा बैकग्राउंड में आपको बारिश का साउंड आ रहा होगा, तो सॉरी उसके लिए, क्योंकि काफ़ी जोर से हवा चल रही है वो साइक्लोन की वजह से। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, क्योंकि ऑप्शन सीरीज़ हमारे चैनल पर चल रही है, बेसिक टू एडवांस ऑप्शन सीरीज़ चल रही है। अगर आपने दो पार्ट आ चुके उसके नहीं देखे तो आप जाके चैनल पर हमारे देख सकते हैं, इसके पहले वाले वीडियोज़ ही हैं। सारे फिगर्स की अगर हम बात करें तो आपको रुपीज़ इन लैक्स में आते हुए देखने को मिल रहे हैं। अगर बात करें टोटल इनकम की, टोटल इनकम की अगर हम बात करें तो 383,000 का आया है, 383,000 का आया है। लास्ट क्वार्टर 394,000 था, लास्ट ईयर 400,000 का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस ग्रोथ आती हुई आपको टोटल इनकम में देखने को मिल रही है। एक्सपेंडिचर की बात करें, टोटल एक्सपेंस की बात करें तो 2,94,000, 2,97,000 एक्सपेंस इन लाइन है। एक्सपेंस में कोई बहुत बड़ा ऊपर नीचे होता हुआ आपको देखने को नहीं मिल रहा है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट को छोड़ के हम बात करेंगे प्रोविजनिंग की। प्रोविजनिंग की देखें तो इधर प्रोविजनिंग कम होती हुई आपको देखने को मिली है, 24,000 की प्रोविजनिंग हुई है। लास्ट क्वार्टर 42,000 की थी, लास्ट ईयर 56,000 की थी। ईयर ऑन ईयर तो प्रोविजनिंग बढ़ी है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर प्रोविजनिंग कम होती देखने को मिल रही है। तो ये एक पॉजिटिव पॉइंट है बैंक के लिए। और प्रॉफिट की अगर हम बात करें, 47,000 का प्रॉफिट आया, लास्ट क्वार्टर 40,000 का था, लास्ट ईयर 30,000 का था। ईयर ऑन ईयर बेसिस प्रॉफिट हल्का सा बढ़ा है, क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस भी प्रॉफिट अच्छा खासा आपको बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है। ओवरऑल रिजल्ट की बात करें अच्छा है, प्रोविजनिंग कम हुआ है, प्रॉफिट बढ़ा है बैंक का। और अगर एनपीए रेशो की बात करें, ग्रॉस एनपीए 2.71 से 3.41 हुआ है, एनपीए बढ़ा है। और अगर हम नेट एनपीए की बात करें तो 0.60 से 1.19 आपको आता हुआ देखने को मिल रहा है। तो एनपीए आपको थोड़ा सा बढ़ता हुआ देखने को मिल रहा है, लेकिन जो प्रोविजनिंग है वो कम होती हुई आपको देखने को मिल रही है। तो ओवरऑल रिजल्ट ठीक है, ज़्यादा कुछ खास आपको देखने को मिल नहीं रहा है रिजल्ट के अंदर। बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कुछ अच्छा आया होगा रिजल्ट नहीं, लेकिन हाँ बाकी बैंकों से अगर मैं बात करूँ तो रिजल्ट अच्छा है। प्रोविजनिंग थोड़ा बड़ा है, सॉरी एनपीए, ग्रॉस एनपीए और नेट एनपीए थोड़ा बड़ा है। ओवरऑल रिजल्ट आपको ठीक ठाक आता हुआ देखने को मिल रहा है। ईपीएस की बात करें तो ईपीएस में भी ग्रोथ है, 2.03 से 2.39 हुआ है, और ईयर ऑन ईयर 7.76 से 7.94 हुआ है। तो रिजल्ट ओवरऑल ठीक है, बाकी बैंकों से अगर मैं बात करूँ तो ओके रिजल्ट है। अगर किसी के पास ये शेयर है तो वो बना रह सकता है, ये मेरा ओपिनियन है, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड एडवाइज़र नहीं हूँ। आपके एडवाइज़र से एक बार कंसल्ट बिल्कुल कर लीजिएगा। लेकिन बंधन बैंक है, IDFC बैंक है, इन बैंकों से अगर मैं बात करूँ तो ये बैंक का रिजल्ट ओवरऑल आपको उन बैंकों से तो अच्छा आता हुआ देखने को मिल रहा है। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर लीजिए और सीरीज जाके चेक कर लीजिए। तब तक के लिए बाय बाय।